विकास खंड नौझील के गांव ओहावा में मौसम के करवट लेते ही उल्टी दस्त की बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। गांव ओहावा में चार दिन से मौसम के करवट लेते ही दर्जनों घरों में एक साथ करीब दो दर्जन से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त जैसी संक्रमित बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को तीन दिन पूर्व सूचना देने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम गांव नहीं पहुंची। उल्टी दस्त की भयानक बीमारी से जूझ रहे ग्रामीण गांव के साथ साथ कस्बा सुरीर और टेटी गांव के झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने पर मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव न पहुंचने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए खासा रोष व्यक्त किया। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब है। कहाँ की रहने वाली हूँ? हम योहावा की। क्या परेशानी आप लोगों? परेशानी जो है हमारे घर में सात बीमार है, संग साथ है। क्या बीमारी है इनको? उल्टी और दस्त। कैसे हुआ ये सब? ऐसे कैसे हुआ? मैं कहा साले कहा बात है, डॉक्टर बुलाए कहीं है तो सब तो आए ना कोई। कितने लोग बीमार होंगे आपके गांव में ऐसे? आप जर कितने ही लू, मैं तो अपनी कह रही सात है, हाथ तो बुला कहीं तो रो धोता है। मैं चलो कोई भी अधिकारी कोई भी भाई तो कोई आया नहीं, कोई भी डॉक्टरों की टीम कोई नहीं आया भाई, कोई ना आया नहीं कि डॉक्टर सुई लगवा लें हम तो। अब उल्टी बंद ना है, दस्त बंद ना है, वो कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं आया, कोई ना आया भाई तो कोई आया ना है। सपना कहाँ की रहने वाली हो? क्या समस्या आप लोगों को? उल्टी दस्त। कब से बीमार पड़े हैं? चार दिन से। कितने लोग हैं आपके परिवार में बीमार? सात। किसी को फायदा नहीं अभी? ना। कोई डॉक्टरों की टीम आई अभी तक? ना। चार दिन से कोई भी नहीं आई? आपने सूचना दी है डॉक्टरों को? दिया। पर लेकिन अभी तक तो कोई फायदा नहीं है?